फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा। कुक विद सुषमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। यकीन मानिए, आप बाज़ार का पिज़्ज़ा सॉस खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस कि आप बार बार बनाएंगे। चलिए करते हैं बनाना शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं। आइए करते हैं बनाना स्टार्ट। एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें हमने थोड़ा तेल डाला है। पहले हम 3-4 लहसुन की कलियां लेंगे, उसको भूनेंगे अच्छे से। प्याज लेंगे, जो 2 बड़े कटे हुए प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज के, थोड़े इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने लिए 4 लाल मिर्च, और आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा भून लेंगे। अब ये थोड़ा सा भूनने लगा है, इसी स्टेज में हम ये टमाटर डाल देंगे और इसको भी थोड़ा लो कुक करेंगे तेज, और इसको टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गल ना दे। अब इसी में हम थोड़े और इंग्रीडिएंट डालेंगे, थोड़ी और सामग्री डालेंगे। ये मैंने लिया है ऑरेगानो 1 चम्मच, ये बेसन लिया है मैंने थोड़ा सा, ये काली मिर्च कूट के लिए मैंने, आधा चम्मच नमक, और 1 चम्मच शक्कर थोड़ा मीठा। पिसी हुई शक्कर डाली है मैंने, आप खड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। और इसको 10-15 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये थोड़ा पकने लगा है, अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे थोड़ा ये टमाटर और गल जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस पक चुका है। इस तरह से ही पकना चाहिए जैसे वो तेल छोड़ रहा है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने रख देंगे और फिर मिक्सी जार में डाल के अच्छे स्मूथ बैटर बना लेंगे, जैसे बाजार जैसे पिज़्ज़ा सॉस मिलता है। अगर आपको और रेड चाहिए है तो इसमें आप रेड शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और तीखा खाते हो तो। और बाजार जैसे टेस्ट लाने के लिए आपको, देखिए दोस्तों, हमारी चटनी पिसके तैयार हो गई है। अब हम इसमें बोल में निकाल लेंगे। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।